भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय का शहर में आगमन हुआ। इस दौरान रंगोली रेस्टोरेंट पर कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत, मोती सिंह शेखावत ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान श्री आर्य ने आगामी कार्य योजनाओं के बारे में मीडिया को जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पिछले फरवरी के माह में सागर में संत रविदास महाकुंभ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। इस सागर में 100 करोड़ का संत श्रोमणि रविदास जी के स्मरण में एक विशाल मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेंगे। वो समय आ गया है कि 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से इस सांस्कृतिक केंद्र और मंदिर का भूमि पूजन नरेंद्र मोदी जी के हाथ से बने जा रहा है। इस मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र में सबकी जनभावनाएं जुड़े, इस दृष्टि से जन अभियान परिषद के माध्यम से 5 यात्राएं मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। एक यात्रा सिंगरौली से आज निकल रही है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना करेंगे। एक यात्रा नीमच से निकल रही है, जहां मैं और हमारी मंत्री उषा ठाकुर जी रवाना करेंगे। एक यात्रा मांडव से निकल रही है, जिसे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी प्रारंभ करेंगे। एक यात्रा श्योपुर से निकल रही है, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी स्टार्ट करेंगे। और एक यात्रा बालाघाट से निकल रही, जिसे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी रवाना करेंगे। ये यात्रा 46 जिलों में जाएगी। इस यात्रा में 244 स्थानों से ज़्यादा जनसंवाद कार्यक्रम होंगे। इस यात्रा में 53,000 गाँव से एक मुट्ठी मिट्टी इसका संग्रहण होगा। मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में आने वाली नदियों का जल भी संग्रहण होगा और ये पूरा मटेरियल भूमि पूजन स्थल पर पहुंचने का काम किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, क्योंकि रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रहे, दास रहे प्रसन्न। ऐसे राज की वो कल्पना करते हैं जिस राज्य की उनकी भावना, उनकी प्रेरणा से माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी देश में और मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से एक बड़ा संदेश इस मध्य प्रदेश में जाने वाला है। सबकी जन भावनाएं उस मंदिर और राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र से जुड़ेगी। इस यात्रा का ये उद्देश्य, इसलिए उनके जीवन व्रत और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व का एक फोल्डर भी आम जनता तक पहुंचाने का काम होगा। वो ऐसे संत थे जो कभी दबाव में नहीं आए। सिकंदर ने उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, उन्होंने कहा मर जाऊंगा लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। वो भगवान प्रभु के चरणों में इतने समर्पित थे कि जूता बनाते बनाते भी भगवान को प्राप्त कर लिया, और कठौती में जिसमें चमड़ा धोया जाता है उसमें उनकी श्रद्धा, उनके समर्पण ने गंगा जी को पैदा कर दिया। इसलिए वो कहते थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बात सवानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करे रह दासा। ऐसे संत जो सबका कल्याण चाहते हैं, जो सबका भला चाहते हैं, उनके स्मरण में ये यात्राएं निकल रही हैं, जो ऐतिहासिक होंगी और सामाजिक एकता और समरसता का संदेश देने वाली होंगी।